जय माता रानी दोस्तों, नीता विक्रम परिवार में आप सबका स्वागत है। आप सबको लोहड़ी की लख लख बधाइयां, आपके दिलों से गमकी हो विदाइयां, ऐसी कामना के साथ आज यह साल का पहला पर्व हम सब मनाने वाले हैं। दोस्तों 13 जनवरी 2022 को लोहड़ी का त्योहार मनाया जाएगा। यह गुरुवार का दिन है और इस बार साथ साथ इस दिन पे साल की पहली एकादशी भी आई है। यह पितृदा एकादशी है। पौष शुक्ल पक्ष के एकादशी को पितृदा एकादशी कहते हैं। दोस्तों लोहड़ी का यह त्योहार मूंगफली, रेवड़ी, आग और पॉपकॉर्न के साथ मनाया जाता है। हम लोग झूमते हैं, गाते हैं और गैर भी दोस्त बन जाते हैं। ऐसे में आपके जीवन में भी ये त्योहार बहुत सारी खुशियां भर दें। अब दोस्तों इस त्योहार पे आप सभी की दिक्कतें परेशानियां दूर हों, इसके लिए आपको कुछ ना कुछ ऐसा विशेष जरूर करना चाहिए जिससे आपके घर की नेगेटिविटी दूर हो, आपके परिवार की नेगेटिविटी दूर हो और आपके जीवन में जो सफलता का स्तर हो वो बहुत ऊंचा हो जाए। तो दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, मैं आज वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। वीडियो बहुत ध्यान से देखिए क्योंकि आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनके लिए कोई ना कोई ऐसे उपाय और सॉल्यूशन इस पूरे वीडियो में है जिन्हें यदि आप देख लेंगे तो आपके जीवन में नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं रहेगी। दोस्तों लोहड़ी का ये त्योहार 13 जनवरी को आ रहा है, तो इस दिन पे आप लोग जो एकादशी का व्रत रखते हैं व्रत मत तोड़ लेना। पता पड़ा मूंगफली और रेवड़ी खाने के चक्कर में आप भूल गए कि आपका एकादशी का व्रत है, तो व्रत को जरूर रखिए क्योंकि ईश्वर आपकी हर इच्छा हर मनोकामना तभी पूरी करते हैं जब आप उनका सच्चे मन से सुमिरन करते हैं। देखिए पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया ना कोए, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। इसी प्रकार लोहड़ी पे जो लोग शादीशुदा हैं, अभी जिनकी नई नई शादियां हुई हैं, जिनके घर में बच्चे हुए हैं, उनके लिए फेस्टिवल बहुत खास हो जाता है क्योंकि आपके जीवन में नए नए प्यार की शुरुआत हो रही है। तो आपके जीवन में पति पत्नी का प्यार बढ़ता जाए इसके लिए लोहड़ी पे क्या करें, लोहड़ी पे आपको करना ये है, आप दोनों अपने हाथ में रेवड़ी, मूंगफली, पॉपकॉर्न सभी चीजें और कुछ गेहूं के दाने, जो नई फसल के दाने होते हैं वो ले लें और आप इससे होम करें। जो बड़ा सा ये लोहड़ी का लकड़ियों का ढेर लगाया जाता है, ये एक तरह का बड़ा हवन है। हम अपने देवताओं को हवन करके या इस प्रकार से अग्नि में आहुतियां देके प्रसन्न करते हैं और वो हमारे जीवन में हमारी हर इच्छा पूरी करते हैं। और जिन लोगों की नई शादी हुई है, यदि आपके घर के आसपास कहीं लोहड़ी जल रही है तो वो जाके वहां पे सात फेरे लगाएं और अपने सातों वचन को बहुत ही अच्छे से पूरे जीवन भर निभाएं। जिन लोगों की शादी को समय हो गया है वो भी ये प्रक्रिया जरूर करें, यह आपके अटूट प्यार को बढ़ाने का कार्य करती है, जीवन में एक नयापन लेके आती है और आपके जीवन को खुशनुमा बना देती है। अब दोस्तों जिन लोगों को बहुत लंबे समय से पैसे में दिक्कत आ रही है, किसी ना किसी तरह से उनकी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं हो रही है, उन्हें ऐसा लगता है कि वो घर नहीं ले पा रहे हैं, वो कोई नया व्हीकल नहीं ले पा रहे हैं, कहीं ना कहीं से थोड़ी सी दिक्कत उन्हें महसूस हो रही है, तो आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे आप थोड़ा सा गुड़ इस दिन पे ले लीजिए। देखिए वो जो आपको गुड़ देंगे उसको आप रखिए और जब भी कभी पैसे प्रॉपर्टी के काम के लिए आप बाहर जाएं तो उस गुड़ में से थोड़ा सा मीठा खा लें, पानी पी लें और फिर बाहर जाएं, देखिएगा आपके काम जरूर बनने लगेंगे। दोस्तों नया साल आया है और पहला त्योहार है लोहड़ी का त्योहार, इस दिन पे आप एक विशेष उपाय कर सकते हैं जिससे आपको पता पड़ जाए कि आपका आने वाला साल कैसा रहेगा। आप कोई गाय जिसको आप अपने घर के आसपास ढूंढ सकते हैं, गाय को इस दिन पे ले जाके भोजन जरूर दीजिए। यदि गाय बहुत अच्छे से भोजन खा ले, वो भोजन को पूरी तरह से फिनिश कर ले, तो समझिए कि ये वर्ष आपका बहुत आसानी से निकल जाएगा क्योंकि देखिए गौ माता हम सबके अंदर की जो वाइब्स होती हैं उन्हें पहचानती हैं। जब आप गौ माता को भोजन ले जाके देंगे जिसमें आप एक रोटी ले सकते हैं, चने की भीगी हुई दाल डाल सकते हैं, रोटी नहीं हो तो आप केवल आटे की लोई लगा लें और उस पर चने की भीगी हुई दाल और गुड़ रख लें और ये आप गौ माता को खिला दें, फिर देखिए आपके जो कार्य हैं
वो ऐसे सरपट रफ्तार से बनेंगे जो आपके जीवन में दिक्कतें आ रही हैं वो भी दूर हो जाएंगी। जिन लोगों के घर में बहुत ज्यादा कलेश रहता है, धन की कमी रहती है, दिक्कतें होती रहती हैं, उनको एक बहुत छोटा सा उपाय बताती हूँ। आप पीतल का लोटा ले लें। देखिए, पीतल का ही लोटा लेना है क्योंकि हम उपाय एकदम विशेष गुरु का कर रहे हैं और ये आपका उपाय आगे आने वाले 5 गुरुवार तक करना है ना। 5 गुरुवार तक इस उपाय को करिए। पीतल के लोटे के अंदर पानी ले लीजिए और उसके अंदर चने की दाल डालिए, गुड़ डालिए। घर के आसपास कहीं भी जहां मंदिर के अंदर केले का पेड़ लगा हो वहां पे जाके ये जल केले के पेड़ में अर्पित करिए। शुद्ध देसी घी का दिया लगाइए। दिया आप आटे का बना के ले जाएं, मिट्टी का ले जाएं, जो आपकी सुविधा हो वो ले जाएं और वहां पे ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करके ये दीपक लगा दीजिए। 5 गुरुवार करके देखिए, आप खुद आके मुझे बताएंगे कि आपके काम बनने लगे हैं। जो लोग बहुत समय से कर्जे के कारण परेशान है, देखिए कर्जा एक ऐसी चीज है जो सर पे पड़ जाए तो जीना मुश्किल हो जाता है। कर्जे के कारण यदि परेशान है तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मंदिर में जाके, देखिए मंदिर क्या होता है, गुरु का घर होता है, वहां पे जाके आप घी, शहद, चने की दाल, हल्दी और एक पीले रंग का कपड़ा, 5 चीजें बता रही हूं, घी, शहद, चने की दाल, हल्दी और पीले रंग का एक कपड़ा, किसी गुरु समान व्यक्ति को जो बहुत एज में हो, जिनका शरीर यदि थोड़ा मोटा हो, इस तरह के कोई ब्राह्मण व्यक्ति हो और जानकार हो, जिन्हें शास्त्रों का ज्ञान हो, उन्हें ये सब चीजें आप जाके दे के आए, उनके चरण स्पर्श करें, उनसे ब्लेसिंग्स लें। देखिएगा बहुत लंबे समय से यदि आपके जो कार्य रुके हुए थे वो फिर से शुरू हो जाएंगे, आपकी जो दिक्कतें थी वो जरूर ओवरकम होंगी। इस उपाय को करिए और रेगुलर कोशिश करिए कि आगे आने वाले 5 गुरुवार तक मंदिर विजिट करेंगे और वहां पे जाके भगवान के आगे मत्था टेकेंगे, हाथ जोड़ेंगे, प्रसाद लेके अपने दिन की शुरुआत करेंगे। फिर देखिए नए साल में आपको ऐसी अद्भुत ऊर्जा मिलेगी जिससे कि कोई आपको रोक नहीं पाएगा। दोस्तों, कई माएं ऐसी हैं जिन्होंने अभी तक मातृत्व का सुख नहीं प्राप्त करा, यानी वो मां बनना चाहती हैं पर उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही। पुत्रदा एकादशी है तो इस दिन पे तो मैं आपको विशेष विशेष उपाय बताने ही वाली हूँ। देखिए, अभी तक यदि संतान नहीं हुई है, परेशानी है, कोई भी परेशानी है, चाहे आपका ट्रीटमेंट चल रहा हो, चाहे आप में अभी तक कुछ ट्रीटमेंट ना भी कराया हो पर बहुत लंबा समय हो गया और संतान नहीं हुई है, तो देखिए एक बहुत ही असरदार उपाय है, ये उपाय आप कर सकते हैं। देखिए, संतान देने वाला वो है ईश्वर, है शिव जी, है भोलेनाथ, है शिव शंभू है। आप चने की दाल के 108 दाने ले लीजिए, हर गुरुवार बिना नागा करे, बिना अपना नियम तोड़े शिवजी पे ये 108 चने की दाल के दानों से आप अभिषेक करें और वहां पे शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं, एक दाना रखें ओम नमः शिवाय, दूसरा दाना रखें ओम नमः शिवाय, ऐसे कहते हुए 108 चने की दाल के दानों से शिवजी का अभिषेक करें। बच्चे के जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं, बच्चे के जीवन में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जिनके संतान की अभी तक प्राप्ति नहीं हुई है उनको जरूर संतान की प्राप्ति होती है, ऐसा मन में भाव रख के हर गुरुवार के गुरुवार शिवजी का चने की दाल से अभिषेक करें। देखिएगा आपके जीवन में जो कष्ट है, जो दुख है, जरूर भोलेनाथ उस दुख को दूर कर देंगे। ये उपाय थोड़ा अलग है, नॉर्मली हम विष्णु जी के उपाय करते हैं बट क्योंकि आपकी संतान अभी तक आपको प्राप्त नहीं हुई है इसलिए ये उपाय मैं आपसे करा रही हूँ, बहुत लाभदायक है। और जिनको संतान हो गई है, संतान के जीवन में परेशानी है, चाहे हेल्थ प्रॉब्लम हो, चाहे पढ़ाई में परेशानी हो, चाहे बच्चे से कैसी भी तरह की आपकी प्रॉब्लम हो, उस प्रॉब्लम को भी उपाय जरूर ठीक करता है। ये जो चने की दाल इकट्ठा होती जाएगी ना, इसे इकट्ठा कर लीजिए, बाद में इसे या तो आप गौ माता को खिला दीजिए जैसे कि मैंने बताया आटे की लोई पे लगा के, या फिर आप इसे मछलियों को खाने के लिए डाल सकते हैं। घर के आसपास यदि कहीं जल का स्थान है तो वहां पर जाके भी आप इसे डाल सकते हैं। उपाय को करिएगा, जिन लोगों को लाभ होगा जरूर मुझे आके बताइएगा। एक मैंने अभी 2 दिन पहले वीडियो डाला था जिस दिन मेरा बर्थडे था, आप सबने बहुत सारा विश करा, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। अभिलाष्टक का पाठ करिए, अभिलाष्टक शिव जी को प्रसन्न करने का एक अद्भुत स्त्रोत्र है। जिन लोगों को संतान की प्राप्ति नहीं होती है, अभिलाष टक के हर दिन 8 बार पाठ करिए,
हो सके तो कल पुत्रदा एकादशी से शुरू करके पूरा एक साल तक अभिलाष्टक का हर दिन 8 बार पाठ करने मात्र से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और संतान की प्राप्ति होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखिए, देने वाला भगवान है। आप लोग जितना हो सके अपने दिल को साफ रखिए, बुराई भलाई के पीछे मत पड़िए, क्योंकि जो लोग दूसरों के अंदर बुरा ढूंढते हैं और आए दिन लोगों की बुराइयां करते रहते हैं, उनके जीवन में भले कष्ट आए पर उनके जीवन में जो उनकी संतान होती है उसके जीवन में ये सब चीजें जरूर आती हैं। ये मैं आपको किसी एस्ट्रोलॉजिकल रीजन के कारण बता रही हूँ। हो सकता है यदि कभी मैंने आपको बहुत अच्छे से कुंडली का अध्ययन करना बताया तो उसमें ये चीजें आपको क्लियर करके बताऊंगी कि जो लोग बुराई करते हैं उनकी संतान के जीवन में कष्ट आ ही जाते हैं। वो चाहे लाख कोशिश करें पर कष्ट आते हैं। तो बुराई भलाई करने से बचिए, आपके कर्मों का भुगतान किसी और को करना पड़ेगा। तो दोस्तों, फिर से आपको बहुत सारी बधाइयाँ, हैप्पी लोहड़ी और पुत्रदा एकादशी की भी बहुत बधाई। आप सब अपने जीवन में खूब तरक्की करें, आगे बढ़ें, ऐसी कामना के साथ आज का वीडियो दोस्तों यही समाप्त करती हूँ। यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, नीता विक्रम परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करिए और इसी तरह मुझसे जुड़े रहिए। जय माता रानी।